वेलकम टू माई चैनल आज हम लोग बात करेंगे थ्री बेस्ट ई वी स्टॉक जो कि आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो ई वी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में है ई वी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय में इसका डिमांड और भी बढ़ने वाला है एंड अगर डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगा यानी स्टॉक में आपको मल्टी स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है ये सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेस्ट ईवी स्टॉक जो कि आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो स्टेट अभी चलते हैं फर्स्ट स्टॉक की तरफ उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आप लोग क्या पूछते हो इस स्टॉक के बारे में यानी ईवी स्टॉक के बारे में आप लोग क्या पूछते हो फर्स्ट जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो वो बेस्ट ईवी स्टॉक्स टू बाई नाउ सेकेंड जो आप लोग का सवाल है वो बेस्ट ईवी स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर थर्ड जो आप लोग का सवाल है वो ईवी स्टॉक्स टू बाई नाउ इंडिया ये तीनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा हम लोग फर्स्ट स्टॉक पे चलते हैं फर्स्ट ईवी स्टॉक का ने जो नेम है प्रोडक्शन करती है, है। एंडली बस डिवीजन आपका अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप को ऑब्जर्व करें तो ये आपका इंडिया डोमिनेटेड कंपनी है इंडिया में अपना प्रोडक्ट डिलीवर करती है अपना सर्विस डिलीवर करती है तो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोन मेंंबर

550 ले फिफ्टी ईवी बसेज का ऑर्डर रिसीव हुआ है जो भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है फॉर अ पर्टिकुलर कल्चर हम लोग और एकटा ग्रीन टेक का टेक्निकल डिटेल्स को अगर ऑब्जर्व करें तो एम एफ आई एट आर एस एन जो और अड जोन है एट इज गोइंग टूवर्ड्स अ ओवरब्रॉड जोन एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज को देखें तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो दुल इज मूविंग एवरेज क्लियरली डोमिनेटिंग दियर इज मूविंग एवरेज अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को भी ऑब्जर्व क्लियरली सी द बोल इज मूविंग एवरेज डोमिनेटिंग द बीअर इज मूविंग एवरेज एंड आने वाले समय में आपको ओवर बॉड जोन की तरफ देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर सेक्टर मिड जोन के अबव है इस पर्टिकुलर जोन में अगर आता है तो हल्का सा आपको प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है अपने फंडामेंटल्स को चेक करें तो फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर पॉइंट टू जीरो करोगा फंड मार्केट कैप है पी रेशियो और ओवर बैलेंट सेगमेंट में है कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट यानी तेरह पैसा के आस पास कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है डेट है कंपनी का सिक्स फाइव पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का डेट है जिसके अगेंस्ट कैश रिजर्व ऑलरेडी अवेलेबल है वन करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है कंपनी का जो प्रॉफिट एंड सेल्स कंपनी ने कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है रिटर्न इक्विटी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन एसेट्स का इंप्रूवमेंट हो सकता है यानी आने वाले समय में ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो सकता है प्रोमोटर्स होल्डिंग्स फिफ्टी परसेंट है यानी हाई प्रोमोटर्स होल्डिंग हैल्डर्स पैटर्न को ऑब्जर्व करे प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है फिफ्टी परसेंट जहाँ फिफ्टी परसेंट प्रोमोटर्स प्लेस होकर रखी है प्राइस पैटर्न को ऑब्जर्व करे एट द मोमेंट ऑलेक्टर इंडेक्स सिक्स सेवेंटी में ट्रेड कर रही है लास्ट थ्री ईयर्स में ही आपको नाइन हंड्रेड टू के आस पास आपको प्रॉफिट बना के दिए सेकेंड एपी स्टॉक की तरफ चलती है सेकेंड जो एपी स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अगर कंपनी तो का तो मार्केट शेयर को ऑब्जर्व करें तो कमर्शियल व्हीकल मार्केट शेयर है ट्वेंटी टू पॉइंट एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल फोर्टी परसेंट है एंड पैसेंजर व्हीकल जहाँ नाइन पॉइंट सिक्सटी परसेंट है एंड पिकअप सेगमेंट मार्केट शेयर है फिफ्टी अगर कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को अगर ऑब्जर्व करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लीड कर रही है फोर्टी पे एंड फॉर इक्विपमेंट ट्वेंटी फोर परसेंट फिनंशियल सर्विस नाइन पॉइंट सेवन हॉस्पिटलिटी वन पॉइंट नाइन एंड आदर्स में फोर्टीन पॉइंट फोर परसेंट ये हम लोग को प्रोडक्ट वाइज बेअप लोकेशन वाइज बेकअप अगर ऑब्जर्व करें तो इंडिया डोमिनेटेड कंपनी है एटी परसेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाइनटीन पॉइंट एट परसेंट अगर कंपनी का पियरिंग कंपनी से पैसेंजर व्हीकल पर कंपनी थर्ड पोजिशन में है थर्ड पोजिशन में नीड कर रही है जहाँ मारुट्री तो स्थिति इंडिया लिमिटेड नंबर वन पोजिशन पर नीड कर रही है कमर्शियल व्हीकल्स में भी जाए तो नंबर थ्री में है कंपनी लिमिटेड एंड नंबर वन पोजिशन पर की इंडिया लिमिटेड अगेन लीड कर रही है कंपनी का अगर सप्लायर्स की बात करें ये कंपनी का सप्लायर्स है रियम ऑटो टाटा स्टील सीमेंट खजूरिया जैसे कंपनी कंपनी का सप्लायर्स है अगर कंपनी का टेक्निकल डिटेल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो 27 सेवन परसेंट मोर देन ट्वेंटी परसेंट रिटर्न दिया निफ्टी फिफ्टी से कम्पेजन करें तो रिटर्न

अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो यू कैन क्लियरली सी द बोल इज मूविंग एवरेज वोमिनेटिंग डियर इज मूविंग एवरेज बट करेंट ट्रेंड बता रहा है कि डियर इज मूविंग एवरेज डोमिनेट कर रहा है तो आने वाला समय में अगर आर एस एन पैटर्न को ऑब्जर्व करें वीड जोन पे है आने वाला समय में अगर ईस्ट जोन की तरफ चलता है यानी टूवर्ड्स अपवर्ड जोन में अगर ये वीटअप होता है यानी जोन बनता है तो आपको ओवरवर्ड जोन की तरफ देखने को मिलेगा एंड प्राइस विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड्स यानी करेक्शन देखने को मिल सकता है एंड अगर कंपनी uh, का फंडामेंटल्स को चेक करें वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट थ्री वन करोड़ का मार्केट कैप है पी टी और वे सेगमेंट में कंपनी डिविडेंट प्रोवाइड करती है जीरो पॉइंट नाइन नाइन परसेंट का डिविडेंड है यानी अकॉर्डिंग टू द करेंट रेट यानी सेवन रुपीज फिफ्टी फाइव परसेंट के आसपास कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है डेट है कंपनी का सिक्स फोर एट नाइन पॉइंट नाइन फाइव करोड़ का डेट है जिसके अगेंस्ट कैश रिजर्व अवेलेबल है थ्री सिक्स फाइव जीरो करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है कंपनी ने, ने प्रॉफिट एंड सेल्स को तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है कंपनी का ऑपरेशन एफिशियंसी रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न भी काफी रिसेंट हैल्डिंग्स नाइनटीन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट ऑन ए लोअर साइड है थ्री पैटर्न को एफ आई एन डी आई डोमिनेट कर रही है नीयर अबाउट आपका सिक्सटी सेवन परसेंट के हिसाब से एंड जहाँ प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स होल्डिंग्स प्ले जो कर रखा है नाइनटीन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट करेंट सिचुएशन कंपनी ट्रेड कर रही है वन टू फोर फाइव पॉइंट फोर फाइव पे लास्ट थ्री ईयर्स में ये आपको टू ट्वेंटी परसेंट के आसपास प्रॉफिट बना के दिए नेक्स्ट जो आप लोगों थर्ड जो ई स्टॉक है वो वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड अगर कंपनी जब तो मार्केट शेयर को अगर ऑब्जर्व करें थर्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स है कमर्शियल व्हीकल का जहाँ ई व्हीकल 85% एट्टी फाइव परसेंट है फोर्टी नाइन परसेंट लाइट कमर्शियल व्हीकल है एंड फिफ्टी एट परसेंट मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल है अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को ऑब्जर्व जैगो लैंड लैंड्रोबर लीड कर रही है सिक्सटी टू पॉइंट वन में यानी डोमिनेट कर रही है कमर्शियल व्हीकल ट्वेंटी परसेंट पैसेंजर व्हीकल फिफ्टीन परसेंट एंड uh, व्हीकल इनहेंस व्हीकल फाइनेंसिंग वन पॉइंट सिक्स परसेंट है अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप को अगर ऑब्जर्व अब करें तो यूएसए डोमिनेट कर रहा है ट्वेंटी नाइन परसेंट आदर्स आपका फिफ्टीन पॉइंट सिक्स है चाइना जहाँ फिफ्टीन पॉइंट फोर है न्यूकी आपका इलेवन पॉइंट नाइन है रेस्ट ऑफ यारेवन पॉइंट सेवन परसेंट है अगर कंपेरिजन करें तो पैसेंजर व्हीकल में नंबर टू पोजिशन पर लीड कर रही है कंपनी यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड जहाँ नंबर वन पोजिशन पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है कमर्शियल व्हीकल में नंबर वन पोजीशन में लीड कर रही है ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में नंबर टू पोजीशन में है टाटा मोटर्स लिमिटेड जहां नंबर वन पोजीशन में है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अगर कंपनी के सप्लायर्स की बात करें टाटा स्टील इंडिया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टाटा अपोलो टायर्स जैसे कंपनी कंपनी का सप्लायर्स है ब्रांड्स की बात करें जैकोर रेंज रोवर जैसे ब्रांड है कंपनी के पास अगर कंपनी का टेक्निकल एनाल को अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें मोर देन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स परसेंट कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है अगर निफ्टी फिफ्टी से कंपेरिजन करेंगे तो लास्ट वन ईयर में निफ्टी फिफ्टी जहाँ बारह परसेंट रिटर्न दिया है वो तो ये स्टॉक ने आपको चौबीस परसेंट के हिसाब आप से आपको रिटर्न बना के दिए एंड अगर आर एस एंड एम एफ आई यानी आ, रिलेटिव ट्रेड इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स को ऑब्जर्व करें तो ये सिग्निफाइड ओवर बोर्ड जोन ई एम ए यानी एक्सपोरेंशियल मूविंग एवरेज को देखे तो बोलिज सिग्नल क्लियरली डोमिनेटिंग द डीएर सिग्नल एंड जैक पैटर्न को ऑब्जर्व करें इस पर्टिकुलर स्टॉक का तो एज यू कैन सी द बोलिज मूविंग एवरेज टी डोमिनेटिंग द डीएर सिग्नल एंड आर एस आई पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें आर एस आई ग्लैफ को अगर ऑब्जर्व करें तो इधर एक ओवर बॉर्ड जोन दिख रहे ओवर बोर्ड जोन बन रहा है एंड आने वाले समय में इस जोन से आपको प्राइस में करेक्शन होने को देखने को मिल सकता है अगर हम लोग फंडामेंटल्स कंपनी को फंडामेंटल्स को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें वन फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर टू करोड़ का मार्केट कैप है पी रेशो ओवर वैल्यू सेगमेंट में है कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है कंपनी का जो तो डेट है वो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव करोड़ का डेट है जिसके अगेंस्ट कैश रिजर्व ऑलरेडी अवेलेबल है टू सिक्स जीरो फाइव पॉइंट फोर थ्री करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है अब जो डेट टू इक्विटी है वन पॉइंट सेवेंटीन है यानी लो एंड डेट टू कैपिटल इंस्टॉलमेंसी होने का चांस काफी कम है कंपनी ने प्रॉफिट एंड सेल्स को इंक्रीज़ किया है प्रोमोटर्स होल्डिंग्स को देखें यानी सेवर प्लस पैटर्स को देखे तो हाई प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है जहाँ एफ आई एन डी आई नियर अबाउट आपको ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन परसेंट है प्रोमोटर्स आपको प्ले जो कर रखा है फोर्टी सिक्स परसेंट एट इज कविंग टाटा मोटर्स लिमिटेड फाइव हंड्रेड थ्री पॉइंट सिक्स फाइव में ट्रेड कर रही है लास्ट थ्री इय में आपको पांच सौ उन्नीस परसेंट के हिसाब से आपको रिटर्न बना कर दिए जब भी आप कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो आपको पोर्टफोलियो कर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कुछ स्टॉक आप आई में रखिए कुछ स्टॉक केमिकल सेक्टर में रखिए कुछ डिफेंस सेक्टर में रखिए कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली आप फ्यूचर बोर्थ सेक्टर में भी रखिए एज अ कुछ लेफ्ट एंड राइट में आपको वीडियोज बन जाएगा फ्यूचर बोर्थ सेक्टर के बारे में तो वीडियो को देखिए एंड आप अगर चैनल पर बने नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग